दोस्तों, अगर हम आज अपनी 20s में हैं तो हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं और काफ़ी हद तक फॉर द शॉर्ट टर्म कुछ डिसीजंस हमें सही भी हो जाता है, लेकिन ज़िंदगी की इस लंबी दौड़ में अगले 10 साल या 20 साल के बाद हमें पता चलता है, हमें रिग्रेट होता है कि काश वो सही ना होता, काश मैंने उस वक्त उसको सही नहीं माना होता। उस रिग्रेट हमें दोस्तों जिंदगी के आखिरी पल तक रहेगी। दोस्तों, उस वक्त हमारे पास इतनी लायबिलिटीज हो जाएगी कि हम चाह कर भी हम वापस लौट के आ नहीं पाएंगे। आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस छोटी सी एक कहानी बताना चाहता हूँ। ये कहानी है बहुत साल पुरानी, एक छोटी सी राज्य की, तो जहाँ की जो भी सेनापति थे, जो चीफ कमांडिंग ऑफिसर, उनको उस राज्य की सबसे अकलमंद इंसान माना जाता था, क्योंकि जिस आदमी की, जिस इंसान की जो भी समस्या थी, उन हर समस्या का समाधान उनके पास था। तो कुछ दिन बाद उस राज्य की थोड़ी दूर एक बड़ी सी राज्य थी, तो उस बड़ी राज्य ने उन छोटी राज्य के साथ जंग की ऐलान कर दिया। तो क्योंकि उन्होंने कर दिया तो आप मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने मना कर दिया तो आप तो हार जाएंगे, आपको सरेंडर करना पड़ेगा और सरेंडर में तो मौत है। तो उन सेनापति ने उनके पास जो भी योद्धा थे उन सबको लेके एक शिप में लेके चले गए जंग के मैदान में। तो जाने के बाद जो पहुंचे, तो पहुंचने के बाद उन्होंने उस जहाज को जला दिया। तो उस वक्त युद्धा को कुछ पता नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों उन्होंने जला दिया। तो वो भी बहुत बहादुर थे, बहुत, जिसकी वजह से उनको पूछ भी नहीं सकते क्योंकि अपने कमांडिंग ऑफिसर थे। तो वो पहुंच गए उनकी जो भी जंग की मैदान थी वहाँ पे। तो मैदान में पहुंचने के बाद वहाँ पे आसपास कुछ लोग थे, उन लोगों ने देखा, तो देखने के बाद उन्होंने आके बोलने लगा कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम तो जीत नहीं पाओगे, तुम इतनी कम नंबर्स में हो, उनके सामने तो टिक भी नहीं पाओगे, खड़े भी नहीं हो पाओगे, बहुत कुछ उनको बोल दिया। तो बोलने के बाद उनका जो भी युद्ध थे, तो युद्ध को की जो विश्वास थी वो घटने लगे। तो पूरी उनका जो भी विश्वास थी कि जीतने की जो भी विश्वास थी, पूरी विश्वास खत्म हो गई। उसके बाद वो सब मिलके सेनापति के पास चले गए कि क्यों हमें यहाँ पे लाया गया, सिर्फ मरने के लिए। तो उस वक्त सेनापति ने कहा कि हमारे पास जो भी है, जिस ताकत हमारे पास है वो शायद उनके पास नहीं है, क्योंकि आज हम अगर जीतना चाहते हैं, आज जब हम आ रहे थे तब मुझे भी पता था इनके पास इतनी बड़ी फौज है, लेकिन कभी ना कभी मैंने भी सोचा था कि क्या हमें सरेंडर कर लेनी चाहिए। उस वक्त मेरा इस इतने साल का जो भी एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस ने मुझे सरेंडर करने से मना कर दिया और मैं सरेंडर नहीं कर पाया। और उस इस एक्सपीरियंस से मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आज अगर आप लड़ रहे हैं तो आप सिर्फ एक राज्य के लिए लड़ नहीं रहे, आप अपनी जिंदगी के साथ लड़ रहे हैं, आप अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, आप अपने उस पेरेंट्स के लिए लड़ रहे हैं जो आपकी राह देख रहे हैं। और एक योद्धा कभी मोड़ के जाता नहीं, भाग नहीं जाता मैदान छोड़ के। तो जिसके लिए हमारे पास जो भी बैकअप प्लान थे वो सब मैंने खत्म कर दिया। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जीत। अगर हम जीत गए तो खुशी खुशी सब वापस जाएंगे, अगर हम हार गए तो हमारी लाश यहाँ से जाएगी।
याद कीजिए उन पेरेंट्स की तरफ जो आपकी राह देख रहे हैं। आप उनको क्या लगने लगे क्या लगेगा जब वो आपकी डेड बॉडी देखेंगे। तो उन योद्धाओं को इतनी मोटिवेट किया कि उनकी जो भी विश्वास थी वो फिर से आ गई। जंग शुरू हुआ, वो लोग अपोजिशन के जो भी लोग थे वो सिर्फ जीतने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ये लोग अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। दोस्तों अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी पूरी जान लगा दी और अंत में वो जीत भी गए। दोस्तों वो लोग जिन्होंने उनको पहले कहा था कि तुम हार जाओगे, तुम ठीक भी नहीं पाओगे, वो एक्सपेक्टेटर्स की तरह साइड पे खड़े रहे, सब कुछ देखते रहे। दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात बताती है कि हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम आज 20s में हैं तो हम जो भी कर रहे हैं बहुत लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि ये तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम फेल हो जाओगे। अगर फेल हो गए तो क्या हुआ, क्या होगा, बहुत कुछ बातें बताएंगे, लेकिन ये सिर्फ स्पेक्टेटर्स है, आपके मैदान में इनका कोई रोल नहीं है। दोस्तों इसीलिए आपकी जो भी प्लान है, जो भी आपकी सपना है, वो ऐसे किसी इंसान को मत बताइए जो इंसान को इसके कीमत पता नहीं है, क्योंकि अगर उसको कि इसकी कीमत पता नहीं है तो वो कभी भी आपको एक अच्छी सलाह नहीं देगी। दूसरी बात, हम अपने जो भी कर रहे हैं इस 20s में भी हम कुछ ना कुछ एक बैकअप प्लान सेट कर लेते हैं कि अगर चलो ये शुरू कर देता हूँ, अगर नहीं चलता तो मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी है। लेकिन दोस्तों दूसरा ऑप्शन अगर हमारे पास रहेंगे तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। जब तक हमारे पास बैकअप ऑप्शन है तब तक हमारे जीत कभी नहीं है, क्योंकि हम तब हम एक बैकअप ऑप्शन रखते हैं जब हमारे खुद के अंदर क्लियरेंस नहीं रहता कि हम मैच जीतूंगा, हम खुद डाउटफुल है तो हम जीत कैसे पाएंगे। दोस्तों आज आपके लिए मैं क्यों बताना हूँ, क्योंकि आज आपके पास कोई लाइबिलिटीज नहीं है, आपके सर पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, आज आप एक फ्री हो, आजाद परिंदे, आप जो भी करना चाहते वो आज आप कर पाएंगे, लेकिन अगले 10 साल के बाद, अगले 20 साल के बाद आपके ऊपर आपके सर पे इतनी लाइबिलिटीज आ जाएगी, इतनी बर्डन आ जाएगा, कुछ चाह कर भी कर नहीं पाएंगे, उस वक्त आप रिग्रेट करेंगे। आज आपने अगर छोटा सा डिसीजन ले लिया और काफी हद तक वो सही भी हो गया, वो उस लंबे दौड़ में वो टिक नहीं पाएगा, कैसे कर सकते आप भी शामिल हो जाएंगे उन रेट रेसों में जहां से वापस लौटना कभी नहीं होगा। दोस्तों अपनी आखिरी सांस, एक दिन अपनी आखिरी सांस जब गिन रहे होंगे तो आपके हर सांसों के साथ आपको ये रिग्रेट आपके दिल में रहेगी, आपके दिमाग में रहेगी कि आप भी ऐसे जिंदगी जीना चाहते हो जिसके अंत में एक रिग्रेट हो, या आप भी कुछ करना चाहते हो, कुछ ऐसे चीज करना चाहते हो जिसकी वजह से एक दिन आपको फख्र महसूस हो, अपने आप के लिए एक प्राउड फील हो, दुनिया भी आपको याद करे। दोस्तों कुछ ऐसा करना चाहो, कुछ ऐसा करने की सोचिए कि दुनिया आपको याद करे। थैंक यू दोस्तों।